सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीजीपी टेक जोन को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बीजीपी टेक जोन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले कि आप सभी में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे दोस्तों जो कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन को रात भर फ़ोन जो है वो चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता दोस्तों कि इसका क्या क्या जो है वो बेनिफिट है या फिर नहीं है, या फिर आप इसको इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर आप क्या क्या प्रॉब्लम से जो है आपके फ़ोन जो है वो फेस करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा कि आपको जो है रात भर आपके फ़ोन को चार्ज में लगाकर छोड़ना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स के बारे में दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन को रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ते हैं तो सबसे जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि आपके फ़ोन में जो है वो हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी दोस्तों। दोस्तों आजकल के जो है नए सारे जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें ऑटो जो है वो चार्जिंग कट का ऑप्शन तो आपको मिल जाता है, लेकिन दोस्तों आपको उस फ़ोन में जो है आपको जो रात भर जो आप एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं इससे ये होता है दोस्तों कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन का जो है वो बैटरी तो 2 या 3 घंटे में फुल हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है दोस्तों आप जो फ़ोन को चार्ज में लगा कर रखते हैं तो इससे ये होता है कि आपका जब बैटरी पूरी तरह से फुल हो जाता है तो वो बैटरी वो जो है अपना पावर सप्लाई आपके फ़ोन में शुरू कर देता है, लेकिन जब तक आप अपने चार्जर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट किए हुए हैं तब तक जो है वो चार्जिंग सप्लाई और आपके बैटरी का सप्लाई वो जो है आपस में एक दूसरे से जो है वो लिंक होते रहते हैं और जो है दोस्तों आपके फ़ोन में जो है वो हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि इससे जो है आपको बचने के लिए क्या करना है दोस्तों। आप सभी से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ही बिजी रहते होंगे या फिर आप अपने फ़ोन को दिन भर चार्ज में नहीं लगा पाते, सो आपको जो है केवल रात में ही टाइम मिल पाता है दोस्तों आपको फ़ोन को जो है वो चार्ज में लगाने के लिए। सो आप जो है इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रात में चार्ज में लगाने से पहले आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को जो है वो चार्ज में लगाएं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो वो चार्जिंग केबल जो आपने उसे रात में लगाया हुआ है वो क्या होगा कि जिस तरह से आपका बैटरी फुल हो जाएगा उसके बाद जो है वो अपने आप जो है आपका फ़ोन चार्जिंग लेना बंद कर देगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका बैटरी जो है वो आपके फ़ोन में पावर सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि आपका फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा और जो है आपके फ़ोन में हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी जो बात आती है ये आती है दोस्तों कि आप जो है अपने फ़ोन को रात में चार्ज में लगाने समय जो है कहीं भी कोई अच्छा ठंडे प्लेस में रखें या फिर आप उसके नीचे एक टॉवल जो है वो कॉटन टॉवल्स या फिर आप जो है सॉफ्ट टॉवल्स का इस्तेमाल करें, और अगर आपने अपने एंड्रॉयड फ़ोन के पीछे बैक कवर लगाया हुआ है तो आप उसे बैक कवर को हटाकर फ़ोन को चार्ज में लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी हीट जो है आपके फ़ोन से निकलेगा वो आपका जो है वो टॉवल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद आपका हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो निकल जाएगा। जैसे ही आपका चार्जिंग जो है वो बंद हो जाएगा उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आपके एंड्रॉयड फ़ोन के बैक कवर हटाने की, तो बैक कवर हटाने से ये होगा दोस्तों कि आपके फ़ोन में जो है वो एयर सप्लाई अच्छी तरीके से होगी और जो है वो आपके फ़ोन में हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगी। और अगर बात करते हैं दोस्तों आपके हीटिंग प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की, तो हमने पहले ही स्विच को ऑफ कर रखा है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी रनिंग ऐप है वो जो है बैकग्राउंड में काम करना बंद कर देगा। इससे ये होगा दोस्तों कि आपका बैटरी जो है वो बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा और आपका फ़ोन जो है वो रिलैक्स मोड में सुबह तक रहेगा। उसके बाद आप सुबह उठने के साथ अपने फ़ोन को चार्ज से हटा दीजिए, उसके बाद आप अपने फ़ोन को 5 मिनट जो है वो बगैर ऑन किए रहने दीजिए कोई अच्छे ठंडे प्लेस में, उसके बाद आप अपने फ़ोन को आराम से ऑन कीजिए और उसके बाद आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यही थे दोस्तों कुछ
खराबी रात में आप अपने फ़ोन को चार्ज करने की। और मैं आपको अगले वीडियो में, एक और वीडियो में आपको बैटरी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप सभी में से बहुत लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो कि अपने फ़ोन को 3 या 4 बार जो है वो दिन में चार्ज करते हैं, पूरे एक दिन में जो है वो चार्ज करते हैं। इससे आपका बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लो हो जाता है। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद जो आपको वीडियो दूंगा इस बैटरी के बारे में, आपको वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें कि क्या मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाया या नहीं कर पाया, और मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।